वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स। कैसे हैं आप दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आपको ऑनलाइन यूपीएस 1 KV 48 वोल्ट 1 KVA 48 वोल्ट का किस तरह वर्क करता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये इसकी जो है फुली सर्किट डायग्राम है। तो इन्वर्टर कार्ड की तरफ दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये इन्वर्टर कार्ड है। ठीक है, ये इन्वर्टर कार्ड है और यहाँ पे ये आउटपुट सेक्शन है। देख सकते हैं आउटपुट सेक्शन है ये दोस्तों। ये आउटपुट सेक्शन जो है आपका बीज रेक्टिफायर की तरह बनाया गया, साइन वेव है। ठीक है, ये साइन वेव मेथड से बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये चार्जिंग कंट्रोलर सेक्शन बनाया गया है। ये चार्जर कार्ड है और ये कंट्रोल करता है किसको, एसीआर को। यहाँ पे 2 SCR लगे हुए हैं, इसे कंट्रोल करके बैटरी को ये चार्ज करता है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलेंगे इसमें ड्राइवर कार्ड की तरफ। दोस्तों, इसमें दो सेक्शन होते हैं, आपको मैंने पहले बताया था। ऑनलाइन में दो सेक्शन होते हैं, ये ऑनलाइन रहता है। तो ऑनलाइन में दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर ये ऑसिलेटर सेक्शन है। ये ऑसिलेटर सेक्शन दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ ड्राइवर सेक्शन है, इसको जो कि ड्राइव करेगा। ड्राइव करने के बाद में यहाँ से सिग्नल जो जाएगा आपका कहाँ पर जाएगा, ये मॉस्फेट पर जाएगा। दोस्तों, दो मॉस्फेट जो देख रहे हैं आप, और दो मॉस्फेट आपका जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पॉजिटिव में गया हुआ है। दो जो है आपका पॉजिटिव में चला गया है, ये आपका पॉजिटिव में गया है। पॉजिटिव में आपका 1 ohms के जो है 4 resistance लगे हुए हैं, उससे जो है कि आपकी मॉस्फेट में कनेक्शन चला गया है। देख सकते हैं ये मॉस्फेट में चला गया है, इसके बीच में आपका रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है और यहाँ लगा हुआ है, और इसमें ड्राइव के लिए वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं। ये आपका ड्राइव यानी कि गेट पे यहाँ पे कनेक्शन हो गए, यहाँ पे गेट पे कनेक्शन हो गए। ठीक है, और ये नेगेटिव देख सकते हैं, ये नेगेटिव सप्लाई गया है और यहाँ HRC फ्यूज से ये आपका कनेक्ट हो जाएगा और इसी जो ग्राउंड में ये कनेक्ट होगा। ठीक है, देख सकते हैं ये ग्राउंड में है, ये भी ग्राउंड में है, यानी कि ये आपका सोर्स है, यहाँ भी सोर्स है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका ये ड्रेन से कनेक्टेड हो जाएगा, ये भी ड्रेन से कनेक्टेड हो जाएगा, और इसकी जो है सोर्स और इसकी ड्रेन से ये कनेक्टेड हो जाएंगे। देख सकते हैं आप, तो HRC से कनेक्शन हो जाएंगे और इसमें जो है ट्रांसफार्मर का 2 सप्लाई आपका चला जाएगा। देख सकते हैं एक यहाँ कनेक्ट हो गया और एक यहाँ कनेक्ट। दोस्तों, ये आपका 48 वोल्ट का है, तो 48 वोल्ट यहाँ पर आपका स्विच करेगा ट्रांसफार्मर को। ठीक है, और यहाँ पे आपका 220 वोल्ट यहाँ बन जाएंगे। देख सकते हैं 220 वोल्ट बन जाएंगे, जो कि डायरेक्टली आपका आउटपुट में निकल जाएगा। देख सकते हैं डायरेक्टली आउटपुट में ये निकल गया है, और यहाँ से जो है इसके आउटपुट में जो भी आप अप्लाइंसेस लगाएंगे वो रन करेगा यहाँ से। और इसके बीच में एक वाइंडिंग आपका कैपेसिटर के लिए बनाया गया है, यानी कि जो स्टार्टिंग में UPS ऑन होता है तो उसमें जो है आपका वोल्टेज बाउंस होता है, उसके लिए कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कैपेसिटर लगाया जाता है, और इसमें फिल्टर करने के लिए लगाया जाता है। इसमें जो है कि पीक वोल्टेज जो बनते हैं उसको कॉन्सेंट करने के लिए यहाँ पे आपका कैपेसिटर लगाया जाएगा, क्योंकि इसकी आउटपुट में जो वोल्टेज निकले फिल्टर निकले, नहीं तो आपके जो है LED बल्ब, मोबाइल चार्जर वगैरह ख़राब हो सकते हैं। इसके लिए जो है कि फिल्टर के लिए यहाँ पर कैपेसिटर लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप समझ गए, यहाँ पे ये चार्जर सेक्शन है, और दोस्तों चार्जर सेक्शन डायरेक्टली इसकी जो आउटपुट है डायरेक्टली आउटपुट हो गया है। इसमें जो है मेन लाइन से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, और ये जो है कि जब मेंस रहेगी उस पीरियड में भी आपका इन्वर्टर सेक्शन वर्क करेगा, और लाइट नहीं रहेगी उसके बाद में आपका इन्वर्टर सेक्शन आपका वर्क करेगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका सप्लाई बनाया गया है, क्योंकि 48 वोल्ट हम लोग सर्किट में दे नहीं सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर सप्लाई, यहाँ पे इनपुट या फ्यूज सप्लाई दी गई है, यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई दिया हुआ है, देख सकते हैं। और इसको जितना रिक्वायरमेंट है आपको ड्राइवर कार्ड कंट्रोल कार्ड में, यहाँ से ये वोल्टेज दी गई है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज को जो है कि रिड्यूस करके, यानी कि वोल्टेज को कम करके यहाँ पर सप्लाई दी गई है। तो आपका ये जो है कि कंट्रोलर, ये आपका इन्वर्टर कार्ड जो है आपका इन्वर्टर सेक्शन में वर्क करता है। दोस्तों, ये 24 आवर्स जो है ये आपका वर्क करता है, जब लाइट रहेगी तभी भी आपका ये चलेगा। तो चार्जर सेक्शन तक चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है चार्जर सेक्शन। तो
दोस्तों चार्जर सेक्शन में आप चल देख रहे हैं आप, यहाँ पे दो ट्रांसफार्मर यहाँ पे यूज़ की गई है, ठीक है। तो एक ट्रांसफार्मर जो है आपको मेन सप्लाई आ रही है, इसके लिए यहाँ पे जो है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को यूज़ किया गया है, ठीक है। देख सकते हैं जब मेन्स आएगी उस पीरियड में यह सर्किट आपका वर्क करेगा, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है, और यहाँ पर LS7815 जो है आपका IC में यहाँ पर कॉन्स्टेंट सप्लाई दी गई है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो है आपका दो SCR लगाया गया, जैसे इन्वर्टर में दो SCR लगाया गया है, लेकिन दोस्तों इसमें लॉजिक क्या है देख सकते हैं आप। इसमें आपका 220 वोल्ट आप देंगे, उस पीरियड में आपका जो है एक सप्लाई तो डायरेक्टली आपका इस ट्रांसफार्मर चला जाएगा स्टेप डाउन में, और यहाँ से जो वोल्टेज निकलेंगे आपका 0.6 वोल्ट, वो आपको सर्किट में चला जाएगा सर्किट को जो है चालू करने के लिए, ठीक है, और मेन सेंसिंग के लिए। अब रह गया दोस्तों यहाँ पे बैटरी को जो है कि चार्ज करना है 48 वोल्ट को, तो 48 वोल्ट को दोस्तों इसमें ट्रांसफार्मर नहीं है, तो यहाँ पे न्यूट्रल इसमें इनपुट होगा और ये वाइंडिंग करते हुए आपका ए निकल जाएगा, देख सकते हैं। और दूसरा वाइंडिंग दोस्तों देख सकते हैं यहाँ फेज है, फेज जो है आपका SCR में इनपुट होंगे, देख सकते हैं SCR में इनपुट होगा, और SCR में इनपुट होगा वोल्टेज को कम करके आपका इस ट्रांसफार्मर में इनपुट होगा, और यहाँ पर आपका कॉइलिंग होता है, कोइलिंग करके ये निकल जाएगा और यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 48 वोल्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो नेगेटिव पॉजिटिव सप्लाई निकल रही है, तो ये आपका चला जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे ये एक कैपेसिटर में, ये कैपेसिटर बैंक होता है, और यहाँ पे ये वोल्टेज को जो है यहाँ पर कॉन्सेंट किया जाता है, और कॉन्सेंट करने के बाद में जो कि यहाँ से बैटरी को ये चार्ज करता है, ठीक है। दोस्तों ये जब लाइट रहेगी उस पीरियड में बैटरी चार्ज करेगा, लाइट जाने के बाद चार्ज नहीं करेगा, लेकिन इसकी जो चार्जिंग है बहुत हैवी होती है, क्योंकि इसमें इसी चार्जर से वो जो कि आपको बैटरी को भी चार्ज करना है, उसी लोड से जो आपका घर के अप्लाई ये कंप्यूटर भी आपको यूज यहाँ पर करना है, ठीक है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि इससे आप ही दो सेक्शन है इसमें, यहाँ पर इन्वर्टर सेक्शन आपका जो है हमेशा आउटपुट देते रहेगा, देख सकते हैं आउटपुट देते रहेगा, और इसमें जो चार्जर सेक्शन है जब लाइट आएगी उस पीरियड में बैटरी को भी चार्ज करेगा, और उसी जो चार्जिंग के जो करंट है उसी से वो AC में कन्वर्ट करके यहाँ पे चार्ज करेगा, और उसी से जो है AC में कन्वर्ट करके जो है कि आपको आउटपुट मिलते रहेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें चार्जर सेक्शन जो है हैवी होना चाहिए, जो कि बैटरी को ये चार्ज कर सके, और एक्स्ट्रा जो करेंट होगी उससे जो है कि लोड आपका चल सके। इसके लिए यहाँ पर ये आपका जो है कि UPS काम करता है। दोस्तों ये आपका रहा ओलन UPS 1 KVA 48 वोल्ट का, देख सकते हैं ओलन UPS 1 KVA 48 वोल्ट का। तो इसको जो है आपका ये दोस्तों मैक्सिमम में से UPS आता है, इसको देख के आप रिपेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों आ गया है हाइब्रिड, तो हाइब्रिड कैसे रिपेयर करेंगे इसके बारे में हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका जो है फुली ये जो है कंट्रोल करता है चार्जिंग का, इसमें आपको चार्जिंग मेंस ऑन, DC ऑन, बूस्ट लो, मेन बैटरी मेन ऑन, बैटरी ऑन, यहाँ पे LED कनेक्शन होंगे। दोस्तों ये चार्जिंग फुली कंट्रोल करता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो दोस्तों ये रहा आपका 1 KVA 48 वोल्ट का ओलन UPS का सर्किट डायग्राम। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों में, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।